सो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। दोस्तों, अगर आप लोग भी फेसबुक पर काम करते हो, फेसबुक पर रील्स को अपलोड करते हो और आपके अच्छे खासे फॉलोअर हो गए हैं, 10,000, 20,000, 30,000, मतलब एक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ना, जिसे आपको इनिस्ट्री में ऐड का ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको 5,000 फॉलोअर और 60,000 मिनट कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आप ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हो तो तब जाकर के आपको इनिस्ट्री में ऐड का ऑप्शन मिलता है। बट आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, वो चाहिए आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। अब आप ये सोच रहे होंगे किन लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा, आप लोग को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, इन तीन बातों का ध्यान रखना, अगर आप ये तीन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन मिल सकता है देखने को, वो भी बहुत जल्दी। दोस्तों, आप साइड में देख सकते हो, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है और इस पर मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि मैंने ये तीन स्टेप्स फॉलो करे थे, इन तीन चीजों पर ध्यान दिया था। तो आपको भी इन तीन चीजों पर ध्यान देना है। तो बात करते हैं सबसे पहले टिप्स पे। दोस्तों, आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ रील्स को अपलोड करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा आप रील्स अपलोड करोगे इंस्टा फेसबुक पर, जितने ज्यादा फोटोज फेसबुक पर अपलोड करोगे, जितनी ज्यादा लॉन्ग वीडियोस अपलोड करोगे, उतनी जल्दी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन आपके अकाउंट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 रील्स डाली फेसबुक पर, उसके बाद छोड़ देते, भूल जाते, 1-2 हफ्ते बाद डालते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ फेसबुक पर लगे रहना है, फेसबुक पर रील्स को अपलोड करते रहना है, वीडियोस को, फोटोज को अपलोड करते रहना है। क्योंकि ये जो टूल मिलेगा आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ये सारे टूल से आपकी अर्निंग एक ही में आ जाएगी, ठीक है। जैसे फेसबुक पर होता है, फेसबुक आप पर आप पार्टनर बनते हो, जैसे वॉच पेज ऐड होता है, ठीक है, जो भी अर्निंग होती है आपके वीडियो से या फिर आपकी शॉर्ट्स से, तो वो सारी वॉच पेज ऐड के थ्रू में आ जाती है, जिसमें शॉर्ट्स से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसा ही अब फेसबुक करने वाला है, सारी अर्निंग को वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने वाला है, जिसका मतलब एक ही टूल के अंदर लाने वाला है, जिस टूल का नाम है क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करने हैं आपका वीडियोज, फोटोज और रील्स। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की। दोस्तों, इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, और वो है रीच और एंगेजमेंट। इस पर आपको ध्यान देना है, रीच और एंगेजमेंट पे जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, उतनी ही जल्दी आपको क्रिएटर मोनेटाइजेशन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान देना है कि आप जो वीडियोस बनाओ, ठीक है, जो भी आप रील्स या फिर फोटोज या फिर आप वीडियोस बनाओ या फिर रील्स बनाओ, तो उसको आप ध्यान रखना कि आप उसको अच्छे से क्रिएट करना, मतलब अच्छे से एडिट करना है आपको अपने रील्स को, फोटोज को या फिर वीडियोस को। अच्छे से एडिट करके अगर आप डालोगे फेसबुक पर, तभी जाकर के वो रैंक करेगी, तभी जाकर के उस पर व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, और उसी से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकोगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी वीडियोस की एडिटिंग को आपको सुधारना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी टिप्स की। दोस्तों, तीसरी टिप्स ये है कि आपको फेसबुक की गाइडलाइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस का आप लोग को ख्याल रखना है, फेसबुक की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का आपको ख्याल रखना है। अगर आप उल्टे सीधे कंटेंट बना करके फेसबुक पर अपलोड करोगे तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है या फिर आपका अकाउंट जो है उड़ भी सकता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि फेसबुक की पॉलिसीज को आपको फॉलो करना है, फेसबुक की गाइडलाइंस का आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी उल्टी सीधी वीडियोस बना चुके हो तो उन वीडियोस को आप लोगों को काट देना है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है, साफ सुथरा कंटेंट आपको बना करके फेसबुक पर अपलोड करना है, तभी जाकर के आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपको जल्दी ही मिल जाएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का ऑप्शन। तो यही वो तीन टिप्स थे दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।